आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। डिस्ट्रिक्ट वसिक सरजानी टाउन के दूध लियारी तीसरे टाउन में सरकारी ज़मीन पर कब्जा जारी, जो कि मर्द ब्रोही कोर्ट के नाम से मशहूर है। कुछ नाम नहाल लैंड ग्रीपर जिनका नाम बहादुर अली, वल्द गुलजार अली, डॉक्टर इनाम वारसी, अब्दुल कादरी उर्फ बाबू बंगाली सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इजाज़ अहमद खान से। जी इजाज़ जी, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सुजानी टाउन के हदूद मौजूद है। मेरे पीछे आप ये गोट देखते हैं, गुलशन आयशा के नाम से ये गोट वेलफेयर ब्रोही वेलफेयर एसोसिएशन मौजूद है। हालांकि ये दही तेपो सुंगल के नाम से ये गोट है। यहाँ पर कुछ लैंड ग्रिपर लैंड माफिया जो मौजूद है, जो हमने जराए से मालूम किया, जिसका नाम बहादुर अली वल गुजार अली है, जो यहाँ का एक लैंड माफिया लैंड ग्रिपर है। सरकारी नकला जमीन को मेरे पीछे अगर कैमरा दिखा सकता है तो कैमरा आपको दिखाएगा। ये सरकारी जमीन है जिसकी बाउंड्री पूरी हो चुकी है। मजदूर आप देख सकते हैं, मजदूर काम भी कर रहे हैं, खुदाई भी जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि सरकारी जमीन होने के बावजूद 26 एकड़ को इसने बुरोही कमेटी को बेच चुका है, फरूख कर चुका है। जो हमें जराए से मालूम चली है कि 26 एकड़ को इसने बुरोही कमेटी को फरूख कर चुका है, जो नाकिला जमीन सरकारी जमीन होने के बावजूद कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि यहाँ के जो जितने लोगों से रब्ता किया, सबका ये कहना कि ये नाकिला जमीन है, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन होने के बावजूद ये लैंड ग्रिपर जो बहादुर अली वल गुजार अली है, ये अपनी मनमानी करते फिर रहा है। और यहाँ पर वो मनमानी के जोर पर यहाँ पर इस पूरे इलाके को बाउंड्री कर चुका है। मेरे कहना को दिखाया गया वो जो झाड़ जो पीछे नजर आ रहा है, जो आप देख सकते हैं जो ये दरख के पीछे जो पूरी बाउंड्री चल रही है, ये पूरी मेरे पीछे पूरी बाउंड्री नजर आ रही है, मेरा जारी है। कोई पूछने वाले नहीं है। सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन को हड़प करने की कोशिश की जा रही है, फरूक किया जा रहा है। जब हमने जरा पता चला कि 9 करोड़ रुपए इस जगह की कीमत वो ले चुका है, अभी भी मुसलसल यहाँ पर वो कब्जा माफी उरूज पर है। बंगाली नामी जो यहाँ का जो लैंड ग्रेपर है वो भी इसको फरूक कर रहा है। यहाँ का जो इनाम साहब हैं, डॉक्टर इनाम, या जराए से हमें पता चला नाम जो इनका इनाम साहब, वो भी यहाँ पर वो लैंड ग्रेपर है, वो भी यहाँ पर खरीद फरूक में लगे पड़े हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि सरकारी जमीन होने के बावजूद यहाँ पर पूरी ये बाउंड्री की जा रही है। 26 एकड़ जमीन जो है वो यहाँ बाउंड्री कर चुकी है। बुरोई कमेटी को ये जमीन फरोख कर दिया गया है। सरकारी जमीन को बुरोई कमेटी को लैंड ग्रेपर बहादुर अली वल गुजार ने तकरीबन 9 करोड़ रुपए के हिसाब से फरूख कर चुका है, जिसकी पेमेंट भी जरा से भी मालूम चली है, पेमेंट भी इसको फुल कैश मिल चुकी है। ना क्लास जमीन है, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन के बावजूद भी जब हमने यहाँ मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया तो यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ का जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो क्या नाम इसका वो मुख्तियार कार है, बकरतुल्ला कड़वर साहब, उन्होंने भी ये बहती गंगा में हाथ धो लिया है। बहती गंगा में हाथ धोकर उन्होंने भी यहाँ पर खूब ख्वाबो खरगोश के मजे ले रहे हैं और यहाँ से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। हालांकि सरकारी जमीनों के बावजूद कोई पूछने वाला नहीं है। अभी जब हमने जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पहुंचने के बाद जो यहाँ के लैंड ग्रेपर है वो हमें देखकर यहाँ से फरार हो चुके हैं, भाग चुके हैं, पर खुदाबश मरी और यहाँ के जो लोग थे बंगाली वो भी यहाँ मौजूद थे, वो भी हमें देखकर भाग चुका है। मजदूर जो अपना काम करते जा रहे हैं, जमीन को यहाँ पर फरूख किया जा रहा है, धड़ल्ले से जमीन फरूख किया जा रहा है। बहादुर अली, बंगाली, इनाम और ये सारे जो दीगर लैंड ग्रेपर हैं ये सब यहाँ के मिले हुए हैं और सरकारी जमीन को यहाँ फरूख किया जा रहा है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ एजाज अहमद खान, 27 न्यूज़, कराची।